हेलो स्टूडेंट, हाय। आज का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। पिछले लेक्चर में जो मैंने लेक्चर दिया था, जो टॉपिक था वो था बेसिक इंट्रोडक्शन हिस्टोलॉजी के बारे में, और टाइप्स ऑफ टिश्यू, उस टिश्यू के टाइप्स थी एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ये चार टाइप्स जो मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ी थोड़ी उसकी इंट्रोडक्शन आपको दी थी। तो आज टॉपिक है उसका एक्सपेंशन, उसका आगे पार्ट, वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के आगे सब टाइप्स भी हैं, जैसे मान के चलो कि है, वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पहली, सेकंड कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो किसी के ऊपर ग्रो करता है, जो अदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। ये एक इसका मीनिंग है एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू आखिर कहाँ कहाँ होता है, किधर किधर होता है, और कहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखो बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ आपको। सपोज करो ये बॉडी है और ये ऑर्गन है, ये बॉडी है और ये ऑर्गन है। जो बॉडी के बाहर जो लाइनिंग होगी, जो बॉडी के बाहर जो लाइनिंग होगी वो होगी एपिथेलियल टिश्यू की। जो बॉडी के अंदर जो लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही होगी। मान के ये ऑर्गन है, ऑर्गन के बाहर स्टोमक, कोई भी ऑर्गन ले सकते हो आप, वहां पे जो बाहर लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियल टिश्यू की होगी। ऑर्गन के अंदर जो लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियल तो टिश्यू की ही होगी। तो हम लेके चलते हैं 1 अंदर और बाहर, 2 और 3, तीन जगहों पे एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग कर रहा है। अब बाहर क्या है? ये जो बाहर की लाइनिंग है, जो स्किन की लेयर है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। अंदर वो एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन के बाहर वाली लेयर एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है। वो मैंने आपको इस वे से यहाँ पे समझाया है। ये एपिथेलियल टिश्यू की एक ये भी एक छोटा सा आप इसको बेसिक मान सकते हो। और एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू हमेशा ग्रो होता है बेसमेंट के ऊपर। और सपोज करो हम एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, ये बना दिया हमने एपिथेलियल टिश्यू एक लाइनिंग। बेसिकली ये स्क्वैमस टाइप है, ये सिंगल लेयर है, पहले बता देता हूँ आपको मैं, सिंगल लेयर और स्क्वैमस सेल्स है। ये बेसमेंट मेम्बर होगा, मेम्ब्रेन होगा, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब यहाँ पे नर्व सप्लाई भी जाएगी और ब्लड सप्लाई यहाँ ही रहेगी, बट ब्लड सप्लाई इसके अंदर इसको क्रॉस नहीं करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी। जो न्यूट्रिशन होगा वो सिर्फ डिफ्यूजन से यहाँ पहुंचेगा, और जो नर्वस जो नर्व सेल्स है या न्यूरल टिश्यू है वो जा सकता है अंदर, वो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एक बात आपने याद रखनी है। दूसरी, जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम एपिकल सरफेस बोलते हैं, और ये वाला सरफेस है उसको हम लेटरल सरफेस बोलते हैं, और नीचे वाला सरफेस को हम बोलते हैं बेसल सरफेस। ये भी आपको याद रखना है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इतना बहुत याद रखना पड़ेगा। जो ऊपर की सरफेस होती है वो हमेशा फ्री होती है, वो हमेशा फ्री होती है, और जो नीचे की सरफेस होती है वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। ये एपिथेलियल टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको आज यहाँ पे डिस्कस की है। अब मेजर एपिथेलियल टिश्यू का मेजर काम क्या है? मेजर काम ये है कि एक तो ये डिफ्यूजन में काम करेगा, सेक्रीशन में काम आएगा, ठीक है, डिफ्यूजन में सेक्रीशन में काम आएगा,
और दूसरा एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन में काम आएगा बच्चों। जैसे ये हमारी ऊपर की लेयर है, ये स्वेटर वाली लेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्किन की लेयर की बात कर रहा हूं। जो स्किन की लेयर है वो प्रोटेक्शन करती है, उसी तरह से अंदर जो बॉडी के अंदर है, जो ऑर्गन के ऊपर है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। तो आज ये छोटी सी जो मैंने एक आपके सामने एपिथेलियल टिश्यू की बात रखी है, हालांकि एक नेक्स्ट टॉपिक में इसका एपिथेलियल टिश्यू का एक लेक्चर हो जाएगा, जिसमें हम स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करेंगे, कुबाइटल एपिथेलियम की बात करेंगे, कॉलमनार एपिथेलियम की बात करेंगे, और उसके फंक्शन कौन से कहाँ कहाँ पे ये एपिथेलियल होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और ये एक बेसिक जो एपिथीलियम है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो एपिथीलियम की है वो मैंने आज आपको बता दी है। तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से पढ़े और एनसीईआरटी को भी फॉलो करें। ये मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।